सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जस्ट सिंह। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे तरीके जिनका उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं बॉल का ट्रैकिंग। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पहला तरीका मैं बताने वाला हूँ, दो तरीके बताऊँगा। दोस्तों पहला तरीका ये है दोस्तों कि आपको अपने कंप्यूटर में दोस्तों टच पैड बोर्ड है उसे करना होगा ऑन। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों ये जो टच पैड बोर्ड है आपने यहाँ पर राइट क्लिक करकर आप कर सकते हैं इसे इनेबल। और सिंपल दोस्तों इनेबल करने के बाद कीजिए इसे प्रेस और ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जहाँ भी टाइपिंग करना है आप दोस्तों यहाँ पर जाइए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे चला दिया। ठीक है, और लाने के बाद सिंपल जो भी हम लोग यहाँ बोलेंगे ये सिंपल टाइप करेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू, देख सकते हैं दोस्तों जो हम लोगों ने बोला यहाँ पर जो भी हम लोग बोलते जाएंगे ये टाइप करता ही जाएगा। तो दोस्तों ये है पहला तरीका जिससे दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं बोर्ड का टाइपिंग। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप दूसरा तरीका अपनाने के लिए आप कंप्यूटर में क्रोम होना चाहिए, क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, तभी आप दूसरा तरीका कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये दोस्तों सिंपल, आप जाइए क्रोम ब्राउजर में और क्रोम ब्राउजर में दोस्तों जाने के दोस्तों आप जाइए वेब स्टोर और वहाँ से दोस्तों आपको डॉक्स जो है दोस्तों एक्सटेंशन उसको करना होगा अपने कंप्यूटर में। यहाँ पे ऐड, यहाँ पे वेब स्टोर में जाकर ऐड। ठीक है, यहाँ दोस्तों आप क्लिक कर सकते हैं इस डॉक्स को ऐड। और ऐड करने के बाद सिंपल दोस्तों आप कीजिए ओपन। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आप सिंपल यहाँ पर मोबाइल डॉक्स लिखिए आपको आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और भी तरीका है दोस्तों जो मैं आपको बता दूंगा। ये दो तरीका जो है वो काफ़ी बेस्ट है, इसलिए मैं आपको इसी बता रहा हूँ। सिंपल दोस्तों इसे कीजिए आप यहाँ पे ओपन और आप यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए किसी अकाउंट को और यहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ इसे ओपन। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो है डॉक्स का इंटरफेस है। आप यहाँ पे आइए दोस्तों और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको जाना है टूल्स में जाने के बाद जाना है आपको वॉइस टाइपिंग और यहाँ पे करना है क्लिक। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यूएस, यहाँ पे इंग्लिश यूएस सिलेक्टेड है दोस्तों। यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे दोस्तों ये जो है इंग्लिश में टाइप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल दोस्तों हिंदी सेलेक्ट करके आपको टाइपिंग करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट सिंह पर। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप जो भी बोलेंगे टाइप हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको इस तरीके से बोलना है कि ये समझ पाए। ठीक है, मतलब इस तरीके से बोलना है कि आपका जो साउंड है क्लियर है। ठीक है, इसमें किसी तरह का झिझलाहट टाइप नहीं आना चाहिए, तो ये जो है आपका जो वॉइस नहीं पकड़ेगा सही से और उसी प्रकार ये टाइप कर देगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ से दोस्तों आप तकरीबन 100 लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपका लैंग्वेज है। और दोस्तों यही दोस्तों और कुछ और तरीका मैं आपको बता दूँ सिंपल। दोस्तों आपको अगर वॉइस टाइपिंग करना है तो यहाँ पर दोस्तों गूगल ट्रांसलेट लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सिंपल गूगल ट्रांसलेट कीजिए सर्च। और यही दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों अगर आपका नहीं होता है टाइपिंग तो सिंपल दोस्तों आप गूगल ट्रांसलेट कीजिए क्लिक। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक माइक है, यहाँ पे आप बोलिए जो भी आप बोलिएगा ये टाइप हो जाएगा। और यह दोस्तों आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी लैंग्वेज है और किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है उसे भी आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल दोस्तों आप यहाँ पे जो भी बोलिएगा हेलो हाउ आर यू, देख सकते हैं दोस्तों मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, नमस्ते आप कैसे हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इजी तरीके से टाइप हो गया दोस्तों। तो ये काफी सिंपल है दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा।
अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।